सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिजर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, दुनिया में पहले तीन बड़े मज़ाहिब, जिनमें से पहले नंबर पर क्रिश्चियनिटी है और दूसरे नंबर पर है इस्लाम और तीसरे नंबर पर जो है वो हिंदुइज्म है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बकौल जो हमारे हिस्ट्री में बताती है दुनिया का सबसे पुराना मज़हब जो है वो है हिंदुइज्म। तो आज हम दोस्तों हिंदुइज्म के ऊपर बात करेंगे, कौन से भगवान हैं, वो किन किन की पूजा करते हैं, उनकी फेस्टिवल्स कौन से हैं, उनकी रसूमात क्या हैं, उनके अंदर ज़ात पात कैसे काम करती है। तो आज हम डिटेल वीडियो में आज हम हिंदुइज्म पर बात करेंगे। दोस्तों, हिंदुइज्म के बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 1500 से 2300 कबल मसीह इंडस वैली में नमूदार हुआ या उसके आसार वहाँ से मिलते हैं। इंडस वैली जो आजकल मॉडर्न पाकिस्तान है यानी सिंध तहजीब, वहाँ से उसके आसार मिलते हैं। और ये तकरीबन, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि 1500 से 2300 कबल मसीह तक जो इसके वो है स्टार्टिंग, तब से हुई इसकी। और इसके अंदर तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर 900 मिलियन जो है फॉलोअर्स हैं इस मज़हब के। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तकरीबन 95% जो है वो हिंदू रहते हैं और बाकी 5% बाकी दुनिया के अंदर रहते हैं। दोस्तों, हिंदुइज्म जो है उसके अंदर ये नहीं है कि वो पेट कोई किसी एक तरीक़ाकार पर जो है वो राइज है, वो तकरीबन मुख्तलिफ मज़ाहिब के उसके अंदर आसार मिलते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब की उसने जो उसके अंदर से तमद्दुन अपनाए हुए हैं। और ना ही कोई ऐसी शख्सियत मिलती है हिंदुइज्म के अंदर कि जिसने ये मज़हब जो है फ़लाँ डेट को इसने स्टार्ट किया था, या ये फ़लाँ जो कोई बड़ा था, या जिसे हम कहते हैं कि जनाब उनका कोई जिसे गुरु कह सकते हैं हम, कि उनसे स्टार्ट हुआ, बल्कि इसके आसार हमें मिलते हैं 1500 से सन 2300 कबल मसीह से पहले पहले उसके, ये तब से स्टार्ट हुआ। इसलिए ये मज़हब जो है वो दुनिया का सबसे पुराना मज़हब गर्दाना जाता है अब तक। दोस्तों, हिंदू कहते हैं कि हम सिर्फ एक ही खुदा की पूजा करते हैं, एक ही भगवान की पूजा करते हैं जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, और बाकी जो मूर्तियों की हम पूजा करते हैं वो सब उस ब्रह्मा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, ताकि हमें वो जो, क्योंकि वो जो मूर्तियां हैं वो उसके जो है वो करीब तर हैं, लिहाजा ये मूर्तियाँ हमें उस ब्रह्मा की जो उसके ज़्यादा करीब तर ले के आती हैं, और हमारी दुआ को इनके वसीले से जो है वो ब्रह्मा सुनता है, और ये सारी की सारी जो मूर्तियाँ हैं ये फाइनली जो है वो ब्रह्मा तक पहुँचती हैं। हिंदू डॉक्ट्राइन ऑफ समासारा को मानते हैं, जिसका मतलब है ज़िंदगी और मौत का चक्कर। दोस्तों, डॉक्ट्राइन ऑफ समासारा के अलावा हिंदू जो है वो जिंदगी की थॉट है, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स के ऊपर यकीन रखते हैं। हिंदू ये यकीन रखते हैं कि तमाम जानदारों की एक ही आत्मा है, वो जो आत्मा है बाकी तमाम जो जानदार हैं उसी आत्मा से मिलकर बने हैं, और तमाम जानदारों के अंदर सिर्फ एक ही रूह पाई जाती है, और ये तमाम जानदार जो हैं वो एक ही रूह अजीम का हिस्सा हैं। तो अब तमाम जानदारों का मकसद क्या है? मोक्षा यानी निजात हासिल करना, ताकि ये एक ही अजीम रूह का हिस्सा बन सकें, और दोबारा यानी दोबारा जन्म लेने के साइकिल को ख़त्म किया जा सके। इसके साथ 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 लोगों की सोच और अमाल बराह रास्त उनकी मौजूदगी, ज़िंदगी और मुस्तकबिल ज़िंदगियों का बराह रास्त तय्यन करते हैं। दोस्तों, हिंदू जो है वो धर्मों को अचीव करने की कोशिश करते हैं जो कि गुड कंडक्ट और मोरालिटी पर मुनहसर है। दोस्तों, हिंदुओं के धर्म में तमाम जानदारों की जो जानवर हैं उनकी उनके एहतराम किया जाता है, उनकी इज्जत की जाती है, और गाय जो है वो हिंदुइज्म में सबसे ज़्यादा मुकद्दस मानी जाती है, जिसको वो गौ माता भी कहते हैं। ज़्यादातर हिंदू गोश्त नहीं खाते और उनमें ज़्यादातर जो है वेजिटेरियन पाए जाते हैं। हिंदुओं का जो ताल्लुक है वो जैन मत से भी, बुद्ध मत से भी और सिखिज़्म से भी गहरा है। दोस्तों, हिंदुओं के साथ दो बुनियादी अलामतें एसोसिएटेड हैं, एक ओम और दूसरी स्वास्तिका। स्वास्तिका का संस्कृत में मतलब खुशकिस्मती है। स्वास्तिका की को एक अच्छी किस्मत की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, ओम तीन अल्फाज से मिलकर बना है, यानी AUM, इन तीनों को मिलाकर ओम बनता है, जिनको मिलाकर पढ़ने से हिंदू जो है वो इसको बहुत मुकद्दस समझते हैं, और इस मुकद्दस आवाज़ को ज़्यादातर आप उनके मंदिरों में या उनके जो मुकद्दस जगहें हैं वहाँ पर सुन सकते हैं,
और अक्सर जो है वो पूजा पाठ के लिए वो ओम के लफ्ज़ को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने इंडियन मीडिया के ऊपर भी देखा कि ओम लफ्ज़ को वो एक अपना मुकद्दस लफ्ज़ समझते हैं और जिसको वो समझें कि एक पूजा की शुरुआत या उसके अंदर वो यूज़ करते हैं। दोस्तों, हिंदुओं की मशहूर किताबें हैं चार, जिनमें से है ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा और अथर्वेदा। हिंदुओं का मानना है कि वेद हर ज़माने से मावरा हैं, उनके ना कोई शुरुआत है और उनका ना कोई एंड है, यानी वो एक इनफाइनेट हैं, वो ना तो कभी वो पैदा हुए और ना उनको कभी खात्मा होगा। तो ये इनफाइनेट है और ये जो वेद हैं ये हमेशा से और हमेशा ही रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा उपनिषद, 18 पुराणों, भगवद गीता, रामायण और महाभारत को भी हिंदुओं के मज़हब में इन किताबों को भी बहुत अहमियत हासिल है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि स्कॉलर्स कहते हैं कि हिंदू जो है, हिंदुइज़्म है, इसका कोई बानी नहीं था, मुख्तलिफ अकायद का एक फ्यूजन है, यानी एक इम्तिजाज है मुख्तलिफ मज़ाहिब का, कि जो इस जो हिंदुइज़्म है उसके अंदर रंगा गया है। दोस्तों, हिस्ट्री कहती है कि सन 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह के दरमियान तक वेदास कंपोज हुई, जब कुर्बानी और मंत्र जैसी रसूमात आम हुआ करती थी। इस दौर को वैदिक दौर यानी वैदिक पीरियड भी कहते हैं। इसी तरह दोस्तों, 500 कबल मसीह में ही महाकाव्य का कॉन्सेप्ट जो है हिंदुओं में रुनमा हुआ, जिसमें विष्णु, शिवा और देवी की पूजा पर जोर दिया जाने लगा। उसके बाद ही हिंदू धर्म जो उनका तस्वर है वो तहरीरों के अंदर नुमाया होने लगा और इनकी वजह से ही बुद्ध मत और जैन मत को भी फैलने का मौका मिला। जैनिज़्म जो हिंदुइज़्म का ही एक टूटा हुआ, एक समझे एक उसको फ़िरका कह लें आप उसको, हिंदुइज़्म में माना जाता है कायनात जो है वो ब्रह्मा ने तख्लीक की है, जबकि इस बात को जैन नहीं मानते। जैन का ख्याल है कि ये कायनात अनक्रिएटेड है और ये हमेशा से है और ये कायनात अबदी है, इसको ना कोई पैदा करने वाला है और ना ही इसको कोई ख़त्म करने वाला है। दोस्तों, बुद्धिज़्म में और हिंदुइज़्म में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन इनके अंदर जो की डिफरेंस है इन दोनों मज़हब के अंदर वो ये है, बुद्धिज़्म जो है वो ये है कि ये ज़ात पात और पुजारियों की अजारादारी को नहीं मानता और देवताओं का इनकार करता है, और ज़ात पात यानी ये जो हिंदुओं के अंदर चार जातें पाई जाती हैं इनको नहीं मानता, जिसका आगे चल के हम जिक्र करेंगे, वो इनको नहीं मानते। तो ये की डिफरेंस है बुद्ध मत में और हिंदुइज़्म के अंदर। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हिंदुओं के अंदर जो गॉड्स हैं जिनकी पूजा की जाती है, उन गॉड्स के नाम है। सबसे पहले ब्रह्मा की पूजा की जाती है और ब्रह्मा के बारे में ये कहा जाता है कि ही इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल लिविंग एंड ऑल अदर थिंग्स, यानी वो पूरी कायनात का जो है वो जो उसने पैदा किया, उसको चाहे वो चीज़ें जिंदा हैं या चाहे वो चीज़ें बेजान हैं, उन सबको पैदा करने वाला, पानियों को, दरख्तों को, इंसानों को, जानवरों को और जो भी कायनात के अंदर चीज़ें मौजूद हैं उन सबको पैदा करने वाला ब्रह्मा है। दूसरा जो भगवान है हिंदुओं का उसे विष्णु कहते हैं, और विष्णु की ड्यूटी क्या है कि जो चीज़ें ब्रह्मा ने पैदा की है उन सब की हिफाजत करना और उनको एज इट इज़ जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देना और उनको तबाह होने से बचाना है। तीसरा जो गॉड है या देवता है हिंदुओं का, उसे वो कहते हैं शिवा। शिवा के ज़िम्मे क्या है कि दुनिया को दोबारा बनाने के लिए तबाह करना। हिंदुओं का जो चौथा भगवान है उसे देवी कहते हैं, जो धर्मा की बहाली के लिए लड़ती है। इसी तरह पांचवा जो उनका भगवान है, गॉड है, उसे कृष्णा कहते हैं, जो हमदर्दी, सॉफ्टनेस और मोहब्बत का देवता माना जाता है। और छठा जो गॉड है उनका, उसे लक्ष्मी कहते हैं, जिसको दौलत की देवी भी कहा जाता है। अक्सर हमने फिल्मों में ही सुना होगा कि वो दौलत को लक्ष्मी कहते हैं। दोस्तों, उनकी एक और देवी है सरस्वती, जिसे कहते हैं। सरस्वती का काम जो है वो ये है कि देवी ऑफ लर्निंग है, ये जो है वो इल्म देती है। इसके अलावा जो हिंदू हैं वो शिवलिंग की पूजा भी करते हैं और योनि की भी पूजा करते हैं। और हिंदुओं की जो पूजा की जगह है उसको मंदिर कहा जाता है, जहाँ वो फल, दूध और पैसे और दूसरी चीज़ों की वो पूजा पाठ करने के बाद उसकी जो वो जिसे हम कह सकते हैं कि चढ़ावे चढ़ाते हैं। दोस्तों, हिंदुओं के अंदर पहले सती की रस्म भी पाई जाया करती थी, जिसके अंदर जब कोई मर्द अगर मर जाता तो उसकी बेवा को उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता। इसी तरह हिंदुओं के अंदर जो कास्ट है वो बहुत जो मैटर करती है। अंग्रेज़ों के आने से, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के आने से और मुसलमानों के आने से, अलबत्ता अब जो है इस पर जो है वो काफ़ी रिसर्च हुई है, उस पर जो है वो ज़ोर नहीं दिया जाता, लेकिन हिंदू फिर भी अपनी कास्ट के अलावा शादी किसी और कास्ट में नहीं करते। अब उन कास्ट के अंदर क्या थी, सबसे पहले ब्राह्मण जो कास्ट थी
जिनका काम क्या होता था, वो स्पिरिचुअल लीडर्स हुआ करते थे। वो मंदिरों के अंदर पूजा पाठ करने वाले, या जो उन्होंने किसी ने कोई दुआ करानी है या कोई पूजा करनी है, तो इनका काम होता था। इनको वो ब्राह्मण कहते थे। दूसरे खुश्त्री से जो रूलर्स थे, बेसिकली वो रूल करते थे, और वो जो जनता की यानी आवाम की हिफाजत के लिए आर्मी भी इकट्ठी किया करते थे, और आर्मी तैयार करके, यानी पहले ड्यूटी जो बर्मन की थी वो मंदिर की पूजा पाठ को संभालना, जैसे आप मैन ऑफ रिलीजियस भी कह सकते हैं। और दूसरे रूलिंग पार्टी यानी पॉलिटिकल लोग जो थे वो रूल करते थे और आर्मी तैयार करते थे और तमाम हिंदुओं की हिफाजत करते थे। और तीसरा जो था वो वेश, जिसे हम कहते हैं, जो प्रोड्यूस करते थे, स्किल्स थी उनके पास, लाइक जो वो गंदम उगाना, ये खेतीबाड़ी करना, और जिस किस्म की जो माशरे में स्किल्स पाई जाती हैं, उन स्किल्स को जिनके पास हुआ करती थी स्किल्स, उनको वो वेश कहा जाता था। और इसके अलावा शूदर थे हिंदुओं में पाए जाते, जो हिंदुओं में सबसे जो निचली जात थी वो शूदर थी। और यहाँ तक उनके बारे में हिंदुओं का कॉन्सेप्ट है कि उनके छूने से इंसान जो है वो पलीद हो जाता था, यानी शूद्र। आम तौर पर शूदर्स की बहुत बुरी हालत हुआ करती थी, उनको इजाज़त नहीं होती थी कि वो अपना शहरों के अंदर आएँ या किसी चीज़ को छूएँ। उनसे खिदमत जो ली जाती थी वो भी बड़ी कभी किस्म की ली जाती थी, यानी वॉशरूम वगैरह साफ़ करने और इस किस्म की कूड़ा वगैरह उठा के फेंकना। तो वो ये चौथी किस्म की जो थी ये शूदर कहलाते थे। तो ये चार जातों में तकसीम जो हिंदुइज्म हुआ करता था। लेकिन मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि अंग्रेज़ों के आने, यानी जब बरतानिया ने यहाँ पर हुकूमत की और मुसलमानों ने आकर हुकूमत करना शुरू, उससे पहले मुसलमान ने आकर हुकूमत करना शुरू की, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही ओवरकम किया और उस पर गालिब आए मुसलमान और अंग्रेज़। अब जाके हिंदुओं के अंदर, इंडिया के अंदर आप देखें कि इस किस्म का कोई यानी भेदभाव पाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो शादियां जो हैं वो अपने ही ख़ानदान के अंदर यानी उसी ज़ात के अंदर, कास्ट के अंदर करना पसंद करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं हिंदुओं के फेस्टिवल्स की, जो फेस्टिवल मनाते हैं उनके अंदर सबसे पहले है दिवाली। दिवाली जिसे लाइट्स फेस्टिवल भी कहते हैं, जिसके अंदर वो मोमबत्तियाँ वगैरह जलाते हैं और रोशनी करते हैं, उसे लाइट्स फेस्टिवल भी कहते हैं। दूसरा उनका जो फेस्टिवल है उसे नावरतारी कहते हैं, जिसमें जरखेज़ी और फसलों का जश्न होता है। और तीसरा है होली, जिसमें आपको स्प्रिंग फेस्टिवल कहते हैं, जिसमें रंग वगैरह फेंकते हैं। और चौथा है कृष्णा जान शतामी, यानी कृष्णा बर्थडे, जो कृष्णा जब पैदा हुए वो कृष्णा की, क्योंकि हिंदुओं के अंदर कृष्णा जो है वो हमदर्दी और मोहब्बत का देवता माना जाता है, लिहाजा कृष्णा को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है हिंदू मज़हब के अंदर, तो इसकी बर्थडे को बड़ी मोहब्बत और प्यार से मनाते हैं। और पांचवा है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन क्या है? बहन भाइयों के बॉन्ड के बारे में है कि एक बहन जो है वो अपने भाई के हाथ पर जो है वो एक राखी सी बांधती है, जिसको मानते हैं कि इससे बहन भाई के अंदर प्यार जो है वो और बढ़ता है। और इसके अंदर छठा जो उनका जो फेस्टिवल है वो है महाशिवरात्रि, यानी शिवा का जश्न। अब प्रोनाउंसिएशन के अंदर मेरे से कोई गलती हुई होगी, लेकिन ये छह फेस्टिवल हैं, जो आखिरी फेस्टिवल शिवा का जश्न है, उसको शिवा के जश्न के तौर पर मनाया जाता है, जिसने दुनिया को तबाह करके दोबारा पैदा करना है। तो ये छह जश्न जो हैं मनाए जाते हैं हिंदुओं के अंदर। दोस्तों ये मेन असल में छह जश्न है, इसके अलावा लोहड़ी वगैरह भी हिंदुओं में मनाई जाती है। चूँकि हिंदुइज़्म जो है, अब दुनिया के अंदर तो जाहिर है हिंदू कम है, लेकिन बड़े सगीर के अंदर हिंदू बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तकरीबन मुसलमानों की तादाद के बराबर पाए जाते हैं। तो हिंदुओं को बड़े सगीर के अंदर जाहिर है बहुत बड़ी अहमियत हासिल है, और उनका अपना एक सेटअप है, उनकी अपनी एक पॉलिटिकल हुकूमत है। और उसके बाद जो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जो है वो इसी हिंदुइज़्म के नाम पर, जिन्होंने वोट हासिल किया और इंडिया के अंदर एक जो हुकूमत कायम की, इससे पहले जब गांधी थे या नेहरू थे, वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान जो है वो एक सेकुलर मुल्क है, और इसके अंदर हर मज़हब को अपनी आज़ादी के साथ अपनी मज़हब को प्रैक्टिस करने की पूरी तरह इजाज़त है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, उन्होंने हिंदुइज़्म का नारा जो दिया है, जिसको हिंदुत्व भी कहते हैं, तो हिंदुइज़्म के नारे के साथ उन्होंने पूरी तकरीबन उनको 65-70% वोट पड़ता है नरेंद्र मोदी को। तो ये एक सेकुलरिज्म से हटकर हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू हुकूमत कायम होगी। बेसिकली आज हमारा बात करने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम हिंदुइज़्म के जो उनके बिलीफ्स और उनके गॉड्स और उनके फेस्टिवल वगैरह, जो उनके रस्म और रवाज हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। दोस्तों इस हवाले से हमारी बात हुई, हमारे जो ऑफिस में एक दोस्त हैं वो हिंदू हैं, और उनसे बात हुई,
तो उन्होंने हमें थोड़ा सा जो मैंने अभी आपको डिटेल बताई उसे थोड़ा सा मुख्तलिफ बताया। मुख्तलिफ तो कोई नहीं है लेकिन वो इससे मिलता जुलता ही है। वो कहते हैं कि जो हम गॉड है उसको हम ईश्वर कहते हैं, और उसके बाद जो है वो उनके जो राम हैं और श्री राम जो हैं, श्री लक्ष्मण जो हैं और सीता जो हैं वो उनकी देवी देवता हैं। वो यानी वही बात जो पहले हमने की है कि वो अपने जो है खुशनुदी के लिए, अपना जो गॉड है उनके ब्रह्मा की खुशनुदी के लिए या ईश्वर की खुशनुदी के लिए जो है वो ब्रह्मा को भी इवन पैगंबर मानते हैं। यानी पैगंबर से मुराद ये है कि वो उनका अवतार हैं जो ज़मीन पर आए हैं ईश्वर का। तो वो जो लेकर आए हैं मैसेज, उस मैसेज को हम तक लेके आए हैं, लेकिन हम उनकी इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो ईश्वर है उसके वो पसंदीदा लोग हैं या पसंदीदा बंदे थे, इस वजह से हम उनकी इबादत करते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जो है वो हिंदुइज्म के बारे में जो आपको दी गई। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला किसी और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपने दोस्त अपने होस्ट मलिक खिज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।